शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेलकम टू लिसिया। दिलोजान से सरजमी पर कर्नल चिकारा का स्वागत है। यहाँ की हवा बता रही है बहुत अमन और चैन है इस देश में। जहर घोल दूंगा इस हवा में। आग लगा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए इस देश को। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से दुनिया के कई देशों को आपने बर्बाद कर दिया है, उसी तरह से इस देश को भी बर्बाद कर दीजिए। कर्नल चिकारा, आपके नाजमियों के कहे मुताबिक सब चीजों का इंतजाम हो चुका है। आपके रहने के लिए खुफिया पैलेस, लेबोरेटरी, बारूद, हथियार सब कुछ तैयार है। और हाँ, अगर आप चाहें तो कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी देश के महात्मा ने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब। जब तू अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मगर तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। चिकारा इस देश पर राज करेगा। शूटिंग कितने दिन की? छह दिन की। कहाँ कर रहे? स्टूडियो में सेट लगाया। अच्छा अच्छा, पर वो जर्नल वाली ड्रेस कहाँ है? वो तुम्हारी कंटिन्यूटी की है। तो किधर है भाई? वो तो मैंने मालिक को पहनने के लिए दे दी। तो मालिकों के पास जाओ, उनको दूसरी दे दे और वो ले आ। जल्दी जा, जल्दी जा। अच्छा, तो क्या दीनानाथ जी भी किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहा है? तो फिर वो जर्नल वाला ड्रेस कहाँ गया? क्योंकि हमारे मालिक बड़े किफायती और समझदार व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि जब घर में इतने कपड़े हैं तो बाहर से नए सिलवाने की क्या जरूरत है। अब रोज रोज सारे के सारे कपड़े किराए पर जाते नहीं, जो बच जाते हैं उनमें से एक ड्रेस पहन लेते हैं। कितने ड्रेसेस थी? छह माल को। और एक्टर कितने? वो भी छह माल को। अरे अंकल के कच्चू, ए, बच गया। मालको मोच आ जाएगी ना। अरे निकालो, अरे निकालो, तब फूट रहा है, निकालो। संभल के मालको, संभल के मालको। हमारे मालिक दीनानाथ सब कुछ वाला। मुंशी जी, अगर ऐसी मेरे गले में चीजें फंसती रही तो एक दिन मैं मर जाऊंगा। इतनी जल्दी मालको? ये कौन है? ये है प्रकाश, शूटिंग के कपड़े लेने आया। प्रकाश जी, कितनी ड्रेसेस चाहिए? छह। और एक्टर कितने? छह। पागल हो गए हो? यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई प्रोडक्शन वाला फिल्म के भाड़े के कपड़े लेने आता है तो इसके बाद आता है? दीनानाथ सब कुछ वाला के पास। क्यों? क्योंकि हम उसे जरूरत से ज्यादा ड्रेसेस देते हैं। और बदले में उनके प्रोडक्शन वाले को हम क्या देते हैं? कमीशन। कमीशन। और अगर इसी तरह आप ईमानदारी की बातें करते रहे तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसकी एक ही सजा आपको जरूर मिलेगी। मुंशी जी, इसके ट्रंक में 6 ड्रेसेस और डाल दो। मालको, पर मुझे इतने ड्रेस की जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करो। जब इतने बच्चे पैदा किए तो उनको खुश भी तो रखना पड़ेगा। और घबराओ नहीं, इस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है सर। अब निकालो मेरा एडवांस। मेरा कमीशन? कौन सा कमीशन? हाँ कमीशन, मुंशी जी। मालको, उजरा देना। क्या मालको? वही जो अटक गया था। हेलो मालको। मुकुट जाए पर सर ना जाए। ये क्या? मुकुट। मुकुट
तुम्हारा कमीशन। मगर मैं इसके क्या करूंगा? वही जो दो साल तक टीवी सीरियल वालों ने किया था। क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चों को दे देना, खुश हो जाएंगे। मुझे ये नहीं, मुझे पैसे चाहिए। राम राम राम। अरे ऊपर वाले से डर, हनुमान जी से डर, टीवी सीरियल वाले हनुमान जी से डर। इसको घर ले जा, इसकी पूजा करना, तेरे दिन बदल जाएंगे। पानी मैंने पी लिया है। मेरे लिए सर? अच्छा, अय्याशी हो रही है। होटल में बैठे हो, पानी मुफ्त में आता है क्या? उल्लू के बच्चे, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझसे पूछ कर पानी दिया कर। जा साहब का सामान ले जा और बाहर गाड़ी में रख दे। और सुनो, कपड़ों का फटना तो दूर, अगर एक भी कपड़े का बटन टूटा हो तो पैसे दुगने लगेंगे। मगर? मगर नहीं, दरवाजा उधर। चलो मुंशी जी। मालको, ये मुकुट के पैसे भी इनके हिसाब में लगा देना। जी मालको। ये क्या है? मालको ये बिक गए। इसकी? ये अमजद खान वाली, गब्बर सिंह वाली। तो ये बिक देना सारा। क्या मुझे आपने मुकुट दे दिया, कैसा लग रहा हो मालको? लेकिन आज धंधे की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई मालको। अरे जी मुंशी जी, मेरा तो एक असूल है। हाँ मालको। कि अगर आप लक्ष्मी की कदर करो तो लक्ष्मी आप पर भी मेहरबान हो जाती है। मुरारी मालिक, ये घर में चार जगह लाइटें क्यों जल रही है? भूल गया था मालिक। भूल गया था? अगर मैं तुझे पकार देना भूल जाऊं तो? ओहो, अजी लाइट क्यों बुझा दी? आपको तो पता था कि मैं नहा रही थी। अरे नहाने का लाइट से क्या लेना देना? अंधेरे में क्या किसी और पे पानी फेंक दोगी? लोटा लिया, पानी में डाला, पानी निकाला और अपने ऊपर उंडेला और हो गया नहाना। और फिर नहाते हुए अपने आप को देखने में शर्म नहीं आती क्या? हे भगवान, अंधेरे में कोई कैसे नहा सकता है? क्यों, जब दुनिया में लाइट नहीं थी तो लोग नहाते नहीं थे क्या? और तुम्हें तो नहाने की बीमारी है। अरे काली तो नहाई थी। देखो जी, ये फालतू लोगों के चोंचले हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करने को तो चलो नहा लेते हैं। अरे मुझे देखो, फुर्सत जब मिलती है तब नहाता हूँ। इससे क्या है कि पानी साबुन भी बचता है और सेहत भी बनी रहती है। हे भगवान, दुनिया के जितने कंजूस मरे हैं, लगता है उन सब की आत्मा इनमें घुस गई है। और जब मुगल खानदान की सारी बेग में मर गई, तब तू पैदा हुई थी। वो तो उस जमाने में बिना लाइट के नहा लेती थी, लेकिन तू नहीं नहा सकती। और तेरा वो कमबख्त बेटा, उसे तो पानी और साबुन से मोहब्बत है, दिन में तीन तीन बार नहाता है। देखो जी, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा लाल। लाल? मार मार के लाल नीला पीला कर दूंगा। लोग कहेंगे कि चलता फिरता इंद्रधनुष जा रहा था। मालिक विकास बेटा तो हीरा है। हीरा? हीरा है? तो मुंशी जी ऐसा करते हैं, इस बार आप पगार की जगह उस हीरे को घर ले जाइए। अरे मालिक, अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एक दिन आपका वो नाम रोशन करेगा। करेगा? हाँ? कर रहा है जी, पिछले पांच साल से एक ही क्लास में बैठा हुआ, अभी कल फिर रिजल्ट आएगा, आप देखना इस बार भी फिर फेल हो जाएगा। लेकिन इस बार ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। Come on.
मैं सैम्बो का पंच बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा किस नहीं, नहीं। अरे यार मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारी तरफ फाइटर बनूं। हाँ जरूर बनेगा यार, जितनी खुशी में पार्टी हो जाए। पार्टी पार्टी। अरे लेकिन तुम इतने टेंस क्यों हो गए? कल मेरे घर में भी एक पार्टी है, कल हमारा रिजल्ट आउट होगा, मेरा डब्बा तो गुल होगा ही होगा, मेरे डैडी ने तो पूरा इंतजाम कर रखा होगा, चपले कूसे लाते। हो सकता है तुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए। अच्छा मुझसे ज्यादा तू जानता है, अब एग्जाम मैंने दिया या तूने, पासिंग मार्क मिल जाए। अबे जब पेपर में कुछ लिखा ही नहीं तो पासिंग मार्क कहाँ से मिलेंगे। हाँ सफाई के मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि जैसे कॉपी मिली वैसी वापस कर दी, सिर्फ नाम लिख के गंदा कर दिया। तेरा दिमाग हर काम में तेज चलता है, एक बार मेहनत करके पास क्यों नहीं हो जाता तू है? पास? देखो दोस्तों ये है हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द, ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके पास हो जाए और अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को अपने बाप के कबाड़ खाने में बंद कर दे। अबे पागल हूँ है, वो तो कब से चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊँ और उनके धंधे पर लग जाऊँ। विकास कुमार सब कुछ वाला, अबे मैं इस साले नाम को ही चेंज कर दूंगा और ये बनेंगे विकास कुमार कुछ करने वाला। अपने बाप को तो तू हमेशा बेवकूफ बनाता रहता है, तू कोई आइडिया सोच यार। यार इस बार कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा। विकास तेरा एक फोटो मिलेगा। क्यों? आज तुमने मैच जीता है ना, कॉलेज के अखबार में छपाऊंगी। अखबार? फोटो? फोटो अखबार?